আজকে আমরা চলে এসেছি নিউ দিল্লির যন্তর মন্তরের সামনে, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিগত 23 এপ্রিল থেকে যে বিভিন্ন যে রেসলারদের সঙ্গে যে কুরুচিকর যে বিষয় করা হয়েছিল সেই বিষয়টির উপরে আমরা আজকে একদম সরাসরি এসেছি গ্রাউন্ড জিরো থেকে। আমরা ক্যামেরাম্যানকে দেখাবো, এখানে বিপুল পুলিশ বাহিনীর দ্বারা এখানে প্রায় 30 স্তর বলয় করে দেওয়া হয়েছে এবং এখান থেকে আমরা দেখাতে বলবো যে এখানে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা যথারীতি খবর পেয়েছিলাম যে গতকাল দুপুর 12:45 নাগাদ করে কিষাণ যে মোর্চা আছে তারা ব্যারিকেড ভেঙে এখানে ঢুকেছিল। আমরা ক্যামেরা পার্সনকে দেখাবো যে এই জায়গাটায় তারা এখানে ধরনা দিচ্ছে। আপ কহাঁ সে আয়ে ভাইয়া? মে ইউপি উত্তর প্রদেশ সে আয়া হুম। আচ্ছা, আর মে আমারি জো সাক্ষী মালিক জি হ্যায় উনকো সমর্থন মে আয়ে হুয়ে। আচ্ছা, আপ সাক্ষী মালিক কো কিউ সমর্থন কর রহে হ্যায়, কিয়া কিয়া উসকে? ডেফিনেটলি আপ তো হাম লোগ তো জানতে হি হ্যায়, লেকিন আপ ইতনা দূর সে উত্তর প্রদেশ সে আয়ে হ্যায় তো আপকা কিয়া কুছ বিচার হ্যায় তো বতাইয়ে। দেখিয়ে, হামারা বিচার ইয়ে হ্যায়, হামারি জো সাক্ষী মালিক জি বহনে হ্যায় ও বিশ্ব মে পহলে নম্বর পর মেডেল লেকে আই থি। तो क्या है साहब, जब वो मेडल लेके आई थी इन सरकार ने उनको बुलाया गया, कॉफ़ी पे बुलाया गया, उनके साथ में सेल्फी ली गई और इनके साथ में ये व्यवहार किया गया। तो ये जो जो आरोपी है उनको सज़ा क्यों नहीं मिल रही? इनको जब पता है एफआई दर्ज हो, बोल रहे हैं एफआई दर्ज हो गई है, जब एफआई दर्ज होगी इतनी टाइम तक जांच कब तक चलेगी? हैं, ये बोल रहे जांच चल रही है, जांच चल रही है, हमें तो यही पता नहीं चल रहा है जांच कब तक चलेगी। और जब तक जांच चल रही है ना तो इन्होंने अरेस्ट किया, जब तुम्हारे पता है अरेस्ट एफआई दर्ज हो चुकी है तो उसको अरेस्ट करना चाहिए। 464 का केस दर्ज नहीं हुआ अभी तक है, अब उनको रिमांड पर नहीं लिया ना उनको जेल भेजा गया। तो इसमें क्या है, पहले इन्होंने बोला था मोदी और अमित शाह जी अगर बोलेंगे तो मैं इस्तीफा दूंगा, फिर दूसरी बात तो ये बोल रहे हैं कि मैं आरोपी नहीं हूँ, इसका मतलब ये बीजेपी नेताओं का हाथ है इसके ऊपर जी। अब ये मकसद ये नहीं सोच रहे कि इनका सहयोग करने वाला एक एक का हाथ तो है ज़रूर, जब इतना टाइम लगा रहे हैं ये लोग और इसका पुलिस का प्रशासन का हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि इनका दबाव है सरकार का। और सीबीआई जांच की जब किसके अंडर में आती है, सरकार के अंडर में आती है, पुलिस प्रशासन भी गृह मंत्री मंत्री के इंचार्ज में आती है, तो उनका आदेश का क्यों नहीं करते वो? तो आप ब्रिजभूषण जी को जब तक जेल ना हो या तो कुछ न्याय विचार ना हो तब तक आप यहाँ पर रुकेंगे क्या? देखिए ऐसा है, आज इनके साथ हुआ है, कल दूसरी बेटियों के साथ भी होगा। ये मोदी जी ने नारा छोड़ा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब ये नारा चेंज कर दिया है, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। ये नारा भारतीय जनता पार्टी का है। और कल मैं दिखाना, कल क्या भी मैं खबर बताऊंगा मैं, ये जो आप देख रहे हो बेटिंग को किसानों, जब पता है उनकी बेटियों के साथ में अत्याचार हुआ तो हर मतलब हर एक के नहीं पूरे देश की बेटियों के साथ हो रहा है, पूरे देश की बेटियों, अगर किसान को पता है, जब पता ये चीज़ है तो रोक नहीं पाया, तो चार आदमी निकल के आए, उन प्रशासन वो बैरिंग वो कूद के आ गए। तो उन्होंने कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दिया कि पुलिस प्रशासन के साथ में हाथापाई हुई और पुलिस के साथ में ये बैरिकेड तोड़े गए, तो कल इन्होंने शाम को उसमें वेल्डिंग करा दी गई सरकार के प्रशासन के आदेश के ऊपर। तो क्या अब ये पुलिस कब तक रोकेगी, प्रशासन कब तक रोकेगा? पर ये ना तो दिलेगा ना, ये आरोपी पकड़ना चाहिए, मुझे यही समझ में आ रहा है, ये सरकार जो प्रशासन है इस जो 461 जो मुकदमे दर्ज हैं और आरोपी बदमाश ये साथ तो लगातार सांसद बना दिया जा रहा है आरोपी को। मैं खुद यूपी से हूँ, मैं ये नहीं है कि नहीं है भाई, जो गलत है तो गलत है। अगर वो मैं अमर मैं भी अगर मैं सांसद हूँ, अगर मेरे भाई गर्द केस दर्ज हो तो मेरे को, अगर मैं एक किसान भी अगर एक सांसद होता ना तो वो साथ के साथ अगर वो इस्तीफा दे देता और अपना आके यहाँ बेटियों से आके माफ़ी। आप यूपी से कहाँ से आए हो, आपका नाम? मेरा नाम संजीव तोमर हूँ, मैं अलीगढ़ से हूँ और मैं युवा जिला सचिव हूँ। युवा जिला सचिव हो यूपी का, धन्यवाद आपको। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें बैरिकेड दिया हुआ है, उसके जो उस तरफ भी धरना चल रहा है और इस तरफ भी धरना चल रहा है, धरना जारी है।
उधर धरना नहीं चल रहा है। अच्छा। क्योंकि उनको बताया गया था, उनको पता नहीं थी, वो अशोक रोड से आ रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, कुछ चार लोग आ गए थे तो सोचा ये बंद कर रखा है, तो वो कूद के ये आए। अच्छा। तो इन्होंने क्या है झूठी अफवाह फैला दी प्रशासन ने कि ये जो है पुलिस प्रशासन से हाथापाई करी गई। अच्छा अच्छा। तो ये अच्छा हम लोग कैमरा पर्सन को बोलेंगे उस तरफ से दिखाए, क्योंकि बहुत सारे खबरें आ रहे हैं कि जे ओक जगह थे जो कल के किसाना भेगे एसे क्यों सन्दे जिन्हें जानालें जो जगह वेल्डिंग दिए कर देवा धर्नार स्थान ये जगह। एक चीज़ और है, अनुराग ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी यही जवाब आया है कि ये तो पैसों से लेके बैठा दिए गए, ये बेगूसराय को बदनाम किया जा रहा है, ये अनुराग ठाकुर के बयान दिए जा रहे हैं कि एमपी को इस्तीफा ना देना चाहिए। और जब ये पता है आरोपी है तो उसको इस्तीफा देना चाहिए हैं, तो ये सही इससे क्यों बचा रहे हैं, जब पता है अब देश का अन्नदाता और देश के अन्नदाता की बेटी अगर ये चीज़ मेडल ला रही है भारत में, तो क्या इनकी बेटी लेके आएंगी मेडल, इनके इनके अगर इनकी बेटी अगर जाएंगी तो इनके मोदी जी के ना तो बेटी है ना खेती है। अगर हम अपने देश में यूपी उत्तर प्रदेश से अगर हम राशन लाना यहाँ दिल्ली में बंद करेंगे तो ये दिल्ली वाले जो क्या खाएंगे, वो मोदी जी क्या खाते हैं हैं, क्या खाएंगे ये बताइए। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद आपको। और भाइयों ये वर्दियाले भी मारी बेटी भी एक आदमी के ऊपर, एक आदमी के ऊपर कितने पब्लिक दुखे कर रखी हमने, 145 एक मिलकर की बेटी नहीं है। देखो भाई बात यह है, इस हिंदुस्तान में मैं प्रशासन वाले वीर मोदी ने भी नहीं पूछना चाहता हूं क्या दो डाल गया न्याय है ये हिंदुस्तान में, न्याय तो एक ही डाल का चाहिए, तो राजा हो तो रैये को, रैये को भी वही न्याय मिलना चाहिए और राजा को भी वही दंड मिलना चाहिए जो रैये को मिलता है। क्यों है भाई यह बात, एक बनवर कही थी भाई दो डाल की जा रही है भाई, अच्छा डाल की क्या, दो डाल की क्या रही भाई, बनवी में रजा रहने वाला किरण मनु कर दूंगा आगा आ गया उसका चकोई नुमला काका रहम रहम जब बढ़िया नुमला भैया दारू भी दो डाल गई है, इस हिंदुस्तान में दो डाल गया मैं क्यों है, एक गरीब आदमी का कोई जुलम हो जाता है उसको मिनटे में उठा के जेल में भेजा जाता है, और यो भाई सांसद है, सांसद के ऊपर कोई जुलम नहीं, कोई जुलम नहीं करा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं। देखो भाइयो ये आज तुम्हारी साक्षी है, कल दूसरे की भी साक्षी आऊंगी, आप अपनी छाती में आदरिए पहलवानर घोड़ी सब पर उठते भाई, पहलवान बनाने ने घर की कूड़ा में कूड़ है, चाहे अपनी मतलब धरती का नजर हो, चाहे अपनी टूम का नजर हो, या अपना घर भी बेचना पड़ जाता है जब पहलवान बनता है, और एक गोड़ी भाई सौ भी ज्यादा अनाज खा जाए पड़ो चाहे 13 साल बैठना पड़ो, इतना हम अपनी लड़कियों को न्याय नहीं दवा लेंगे, इतना अपना घर में जाएंगे भाई।